संज्ञा, संज्ञा क्या है या संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पटना, घड़ी इत्यादि। संज्ञा के पांच भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। एक नंबर में है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक किसे कहेंगे? किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, हिमालय, दिल्ली, भागलपुर इत्यादि। दो नंबर में जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक क्या है? जिससे जाति भर का बोध हो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पंखा, डॉक्टर, शिक्षक, अभियंता इत्यादि। तीन नंबर में है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक क्या है? जिससे भाव का पता चलता है, भाव जिसमें हो उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, बचपन, बुढ़ापा, मानवता इत्यादि। चार में है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक से स्पष्ट होता है, समूहवाचक क्या है? तो समूह का अर्थ होता है गुच्छा होता है, झुंड होता है, तो जिसमें समूह का बोध होता है उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, मेला, गुच्छा इत्यादि। और पांच में है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक क्या है? जिससे नापा या तौला जा सके उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चीनी, तेल, पानी, दूध इत्यादि। आज मैंने भैया भाग को संज्ञा के बारे में बता दिया है। अब गृह कार्य में क्या करना है? गृह कार्य, गृह कार्य संज्ञा किससे कहते हैं? इनके भेदों के नाम लिखें और याद करें।